एड्रेस तो मिला नहीं और शरारा का दुपट्टा भी घुमा दिया। कितने सालों से संभाल के रखा था। अम्मी I'm sorry। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मैं दुपट्टे के पीछे भाग तक नहीं पाई। बाबा बाबा आप अब तक जगे क्यों हैं? जब तक तुम सही सलामत घर ना लौटाओ क्या मुझे नींद आ सकती है? सॉरी बाबा, वो दावत छोड़कर जाना पड़ा। अगर तुम अपनी ही दावत छोड़कर गई थी तो तुम्हारे अपने वजूहत होंगे। बाबा बेग साहब, ये क्या तफ्तीश करने लग गए आप? अरे यही तो उम्र है घूमने फिरने की, जरूर अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान बन गया होगा। अब चाहत, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा और मैं निहायती जदी और तरक्की पसंद ख्यालात के हैं। तुम्हारे घूमने फिरने से हमें कोई एतराज नहीं। ये कौन से नए दोस्त बन गए भाई? जहां तक मुझे इल्म है चाहत के शहर में तो कोई दोस्त नहीं है। सोशल मीडिया बाबा, आजकल सोशल मीडिया के हवाले नए दोस्त बनाना कौन सी मुश्किल बात है। बट बी केयरफुल बेटा, सोशल मीडिया से मिले लोगों से पुरानी जान पहचान तो होती नहीं, वो गलत लोग भी हो सकते हैं। गलत तो अपने जान पहचान वाले लोग भी हो सकते हैं बाबा। खैर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, मैं बहुत केयरफुल रहूंगी। चाहत, अपने तजुर्बे से तुम्हें एक नसीहत देती हूँ। देखो दोस्तियां निभाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, लेकिन अपने अम्मी और अब्बू के साथ गुजारने के लिए अल्लाह ने हमें एक महदूद मोहलत दी है। इसलिए अपने बाबा को कभी इग्नोर मत करना। अरे चाहत मुझे कभी इग्नोर नहीं कर सकती, और अगली बार घर पर दावत हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर बुलाना। आओ बैठो, कल सुबह होते ही मुझे एमएलए साहब की भतीजी को देखने ऋषिकेश जाना है। इसका मतलब कल नर्सिंग होम की छुट्टी? छुट्टी किस खुशी में, कल डॉक्टर चाहत बेग मरीज देखेंगी। बाबा मेरी इंटर्नशिप तो अभी अभी खत्म हुई है, मुझे इन सब चीजों का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या हुआ, सिजेरियन करने थोड़ी ही भेज रहा हूँ, बस थोड़े पेशेंस देखने। कजारा जी, चाहत को मेरे केबिन की चाबियां सौंप दे। शब्बा खैर। शब्बा खैर बाबा। एक मिनट मिसेस बेग। आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि जबरदस्ती आपने मुझे इस दावत से दूर भेजा। सालों से कोई ना कोई बहाना बनाकर आपने मुझे बाबा और इस घर से दूर रखा, लेकिन मैंने आज तक आपसे इस बात की शिकायत महज इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे अम्मी के बीमारी के दौरान आप मेरे बाबा का सहारा बनी थी। अपनी मरती हुई अम्मी से मैंने एक वादा किया था कि मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी, लेकिन मेरे बर्दाश्त की भी एक हद है मिसेस बेग। सोचा कि ये बात आपको याद दिला दूं,